Hey guys, welcome back. Micromax in Note 1. हमने स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी चेक की है. आपने देखा होगा कि फोन का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कहाँ कहाँ फ्लॉज है, कहाँ कहाँ यू नो कुछ गुड स्ट्रेंथ दिखी है. सो आज के इस टीयरडाउन का एम अगेन ये फाइंड आउट करना है कि ये फ़ोन कितना एग्जैक्टली मेड इन इंडिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि मेड इन इंडिया है. सी थ्योरेटिकली ये जस्टिफाइबल वर्ड है, मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया में फ़ोन बना हुआ है, लेकिन टेक्निकली इसे आप मेड इन इंडिया नहीं कह सकते हैं. ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कह सकते हैं, असेंबल इन इंडिया कह सकते हैं. सो मेड इन इंडिया सॉर्ट ऑफ रॉन्ग है, क्योंकि अनटिल सभी पार्ट इंडिया में ही ना बने हो, एग्जैक्टली सभी आइटम्स ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज ऑल द इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज़ करती पब्लिक को. कुछ पार्ट्स हमें पता है, लाइक कैमरा सेंसर कहाँ से बना हुआ है, प्रोसेसर कहाँ का इम्पोर्ट है, एंड वी अज्यूम कि जो लोकल कंपोनेंट्स हैं किसी भी फ़ोन के, लाइक आई थिंक ये इंडिया में ही बन सकते हैं, तो इसको कंपनी बाहर से इंपोर्ट नहीं कराएगी. सो फोन ऑलरेडी हमारा डैमेज था बेंटेस में, सो नथिंग. मैं आपको रिपेयर टेड ऑन एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने सारे कंपोनेंट्स ओपन कर लिए हैं, आपके सामने हैं. हम क्विकली देखते हैं कि क्या क्या गुड पॉइंट लगा स्पेशली फ़ोन में, क्या क्या बैड लगा. तो फर्स्ट आपने देखा होगा जब हम फ़ोन का डिस्टॉर्शन टेस्ट कर रहे थे, तो ये जो आपका छोटा सा फ्रेम है ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहा था. एंड यहाँ पे भी देखिए काफ़ी लाइट वेट है, तो जितने आपके कंपोनेंट कम स्ट्रांग होंगे उतना चांसेस ज़्यादा होता है बैंडने में. सी ये सभी पार्ट अगर थिक होंगे तो ज़्यादा वो इंटीग्रिटी फ़ोन का बढ़ाएंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये भी देखा होगा कि जो ग्लू यहाँ पे लगा था वो रियली वीक है. आई मीन जैसे ग्लू है ही नहीं. आप जैसे ही फ़ोन को बैंड कर रहे थे आपका ये जो नीचे वाला पैनल है ये आसानी से बाहर आ जा रहा है. सो ग्लू एटलीस्ट टाइट होना चाहिए, बिकॉज जरा सा भी लूज़ ग्लू होगा डे टू डे लाइफ में आपका ये पैनल थोड़ा सा लूज़ हो सकता है, और जैसे ही पानी कॉन्टेक्ट में आएगा तो पानी इंस्टेंटली अंदर चला जाएगा. इवन दो ये वाटर टेस्ट में सरप्राइजिंगली वेल निकला था, बट हमने ये तो देख लिया कि फ़ोन क्यों ब्रेक हुआ है, बिकॉज ये जो मेटल शीट दी गई है तो आप देखिए हल्का सा ये फ्रेम बेंड हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी का ये एलुमिनियम नहीं है, क्या इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी इसीलिए वो क्रैक हो गया. टोटल 7 स्क्रूज फ्रंट में थे जो मैंने यहाँ निकाल लिए, आपको 6 बॉटम में हैं और 2 आपके मेन पीसीबी में थे, कुछ ये लोअर पीसीबी के हैं. ओके, सो फर्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला कंपोनेंट हमने बाहर निकाला वो है फ़ोन की बैटरी को लेकर. एंड आपने पास्ट में देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज के हमने ट्रेड ऑन देखी, क्वाइट रिसेंटली LG एंड सैमसंग, ये सभी इंडियन मेड बैटरी यूज़ करती है, यानी कि जो बैटरी है वो इंडिया में बनाई जाती है. बट अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूँ, नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेड इन चाइना बैटरी है. मेरी ये कंपनी होती जस्ट सेइंग, या आपकी कंपनी होती, अगर आप मेड इन इंडिया फ़ोन बनाना चाहते हैं तो जितना हो सकता है कि पार्ट्स जो भी पॉसिबल है इंडिया से लेना, हम इंडियन कंपनी से लेते हैं, बिकॉज इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है. बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया नोकिया में भी मेड इन इंडिया बैटरीज होती है, या मेड इन फिनलैंड बैटरीज होती है, सैमसंग मेड इन वियतनाम, या मोस्ट लाइकली जो रिसेंट मॉडल्स हैं लाइक एम सीरीज जो भी है उसमें मेड इन इंडिया बैटरी यूज़ होती है. तो अगर आप चाहें तो इंडियन अदर कंपनी से सपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेड इन चाइना बैटरी यूज़ की गई है. रीज़न ऑब्वियसली थोड़ा सा चीप पड़ रहा होगा, तभी वहाँ से कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराए गए. एंड अदर थिंग्स देखें, लाइक लोअर पीसीबी में यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आप देखेंगे रबर की सीलेंट लगाई गई है जो आपके इस टाइप सी पोर्ट में पानी अंदर जाने से रोकती है. यहाँ पे छोटा सा रेड कलर का आप देखेंगे कैस्केड प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो इसीलिए टाइप सी पोर्ट देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ये आराम से वाटर टेस्ट के बाद भी काम करता है. स्पीकर मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है, क्योंकि स्पीकर में पानी चला गया था शायद, और मे बी हेडफोन जैक में पानी गया था. तो स्पीकर भी आप अंदर से देख सकते हैं यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा टाइट था इसलिए मैंने कट कर दिया. कुछ ऐसा सरप्राइजिंग यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, एक स्पीकर मॉड्यूल है तो यहाँ पे स्टिक किया गया है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा फोम बना हुआ है जिसमें ये जो साउंड पास होती है, और ये मैग्नेट है, इसके अराउंड कॉइल्स होती हैं, स्पेस होता है जिसके थ्रू ये वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है. ओके, स्पीकर का पार्ट आपका अलग है जो एक कोर कनेक्टर से आपके लोअर पीसीबी पे कनेक्ट होता है. एंड ये टाइनी सा वाइब्रेशन मोटर है जो रियली
आप कह सकते हैं लाउड है, बिकॉज आपने देखा था जब हम फिंगरप्रिंट सेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा ये नॉइज कर रहा था। अगर आप यहाँ मेन पीसीबी पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखिए एक जो अच्छी डिज़ाइन चॉइस दिख रही है, जनरली आप देखा होगा जो ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर होते हैं वहाँ पे कैमरा बम ज़्यादा निकलता है, बिकॉज जो कैमरे का जो फ्रेम होता है, जो ये इंडिविजुअल कैमरा मॉड्यूल है, वो इस पीसीबी के ऊपर ऐसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जस्ट लाइक सिमिलर डिज़ाइन है लाइक आपने माइक्रोमैक्स में देखा होगा, सॉरी वो इन्फिनिक्स में, सैमसंग में, ये जो पीसीबी में है यहाँ पे हल्का सा कट कर दिया जाता है ताकि ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा सा उसमें फिट हो जाए, इसीलिए कैमरा बम थोड़ा ज़्यादा नहीं निकला है। आपने देखा होगा यहाँ पे कैमरा बम थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के देखें तो ये एक अच्छी डिज़ाइन चॉइस होती है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, सैमसंग GM1 सेंसर है ये, और आप जानते हैं ये सेंसर कहाँ पे बनता है, ये सैमसंग का सेंसर होता है एंड मोस्ट लाइकली सैमसंग जो सेंसर्स बनाती है मास प्रोडक्शन वियतनाम या कोरिया में किया जाता है, यानी कि ये सेंसर है ये नॉन चाइनीज़ है, नॉन इंडियन है, बट कोरियन और वियतनाम मेड होगा। ओके एंड यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा सेंसर जो है ये 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, देन ये डेप्थ सेंसर है, ये भी मोस्ट लाइकली सैमसंग के ही यूज़ किए गए होंगे या ओमनी विजन यूज़ किए गए होंगे। और यहाँ पे देखेंगे बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो दिखी मुझे इस पीसीबी में वो आप ही देख सकते हैं ये चीज़ें, ये चारों तरफ यहाँ पे दोनों साइड में ये जो कॉपर की शीट लगाई गई है उसके ऊपर ये एक ग्रेफाइट की शीट लगी है, जनरली सिर्फ कॉपर की शीट होती है और ग्रेफाइट की शीट ऐसे रखी जाती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये ग्रेफाइट की शीट साथ में लगाई गई है। सो ये पीसीबी में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे, लाइक मीडियाटेक G85 है और मीडियाटेक की जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट यू नो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये सीपीयू बनाए जाते हैं, इंडिया में नहीं बनते हैं, इंडिया में जो भी ऑफिस हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेल सपोर्ट का काम होता है मोस्टली ये शेंज़ेन में बनते हैं, शेंज़ेन चाइना में है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं, या मेनलैंड चाइना में या शेंज़ेन में, तो यहीं पे बनती है। सो काइंड ऑफ अभी मान सकते हैं कि ये प्रोसेसर भी मेड इन चाइना है। अदर थिंग्स यहाँ पे ये सिम ट्रे है और यहाँ पे आपका GPU होगा, कुछ स्टोरेज रिलेटेड आइटम होगा एंड कुछ अदर स्टफ्स होंगे। ओके और ये यहाँ पे फ्रंट कैमरा अटैच है, सो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ा, एक्चुअली आप फीचर कह सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये जो हल्का सा यहाँ पे ये आप ये कपड़ा टाइप का देखेंगे, एक्चुअली ये गैल्वेनाइज एल्युमिनियम होता है एंड कॉपर एग्जैक्टली नहीं यूज़ करते हैं ऑलवेज, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है, इसकी कंडक्टिविटी बेटर होती है, लेकिन जो गैल्वेनाइज एल्युमिनियम होता है थोड़ा सा चीप पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी जगह पे जैसे कैमरा मॉड्यूल्स पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गैल्वेनाइज एल्युमिनियम है, थोड़ी सी बेटर कंडक्टिविटी के लिए चीज़ यूज़ करती है। तो यहाँ पे हीट मैनेजमेंट मैंने देखा है काफ़ी बेटर किया गया, बिकॉज ग्रेफाइट कॉपर और गैल्वेनाइज एल्युमिनियम ये सभी यूज़ किया गया है, प्लस ये प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टिक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ लगी है, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी थर्मल प्लेट भी लगा हुआ है और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्ले जैसा जो मटेरियल होता है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिव होता है, आई मीन इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे लगाई जाती है ताकि आपका ये शॉर्ट सर्किट ना हो इन केस फोन बैंड या कुछ होता है, ड्रॉप होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बच सकती है। एंड रिगार्डिंग द डिस्प्ले गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया आई एम नॉट श्योर डिस्प्ले कहाँ से आया है, अगेन गाइस नॉट श्योर, अगर मुझे कुछ पता चलता है डिस्प्ले अपडेट कर दूंगा। अगर आप डिस्प्ले के पैनल देखेंगे तो डिफरेंट आई बिलीव 6 लेयर्स होती है, 3-4 और ये एक मेन जो लास्ट होता है ये 5 है और उसके ऊपर एक ग्लास की जो लास्ट होती है जो शीट है, टोटल 6 लेयर का डिस्प्ले होता है, फुल एचडी डिस्प्ले है, यहाँ पे छोटा सा पंच होल है जैसे आप देख सकते हैं, एंटीना केबल्स ऑलरेडी मेरे लिए ब्रेक हो चुकी है एंड नथिंग मोर टू शो यू। फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने देखा था, आई एम नॉट श्योर इसका भी इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आई है, बट छोटा सा टाइनी पीस ऑफ मटेरियल है, कोई ऐसा जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी कहाँ से आया हुआ है, बट दैट्स इट गाइस, ये था माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का टियर डाउन एंड स्टेटस थिंग्स, क्या क्या प्रॉब्लम वीकनेस मिली। तो टेक्निकली मेड इन इंडिया वैसे भी नहीं था, मैंने पहले आपको बताया था कुछ पार्ट्स अगेन चाइना से यूज़ किए गए, स्पेशली बैटरी इंडिया मेड यूज़ करनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने का, आपके भी थॉट्स क्या हैं इस डिवाइस को लेके प्लीज़ शेयर करिएगा। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।